हेलो अगेन, हम अब हमारे सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे हमारे हेल्दी टिप्स। ये पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हेल्दी सहरी या सुबह टिप्स एंड हेल्दी इफ्तार टिप्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेल्दी सुबह टिप्स से। सुबह टिप नंबर वन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, आपने सहरी स्किप नहीं करना है, सहरी अवॉइड नहीं करनी है। सहरी भले लाइट करो बट करो। नंबर टू, आपको प्रोटीन्स खाना है सहरी में। प्रोटीन्स में आप एग्स खा सकते हो, आप प्रोटीन्स में चिकन मीट जो आपकी प्रेफरेंस हो आप वो खा सकते हो, ताकि आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिले। टिप नंबर थ्री, हमें जो स्लो डाइजेस्टिंग फाइबर फूड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो इंक्लूड करना है। कार्बोहाइड्रेट का स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े लॉन्ग टाइम तक आप फिल रहते हो, आपका पेट भरा हुआ रहता है। अब इसमें हुआ होल व्हीट ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट्स, लेग्यूम्स, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ताकि आपको थोड़े ज्यादा टाइम तक भूख ना लगे। टिप नंबर फोर, अगर आपका प्लान है कि आप सहरी करने के बाद सोने वाले हो, तो आपको ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है, क्योंकि आप तुरंत सो जाते हो सहरी करने के बाद में। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जो काफी कॉमन है रमजान में, ये सारे बढ़ जाते हैं। तो इनकेस अगर आपने हैवी सहरी कर लिए, तो आधे घंटे का ब्रेक लो और फिर सो जाओ, ताकि वो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो जाए और डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। फिफ्थ पॉइंट ये हुआ कि आपने टी या कॉफी को अवॉइड करनी है सहरी में। सहरी में टी या कॉफी से ये होता है कि ये दोनों चीजें डायूरेटिक है, जैसे कि ये आपकी बॉडी से पानी को डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आगे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है रोजे के दौरान, तो आपने टी या कॉफी को अवॉइड करना है सहरी में। आइए हम स्टार्ट करते हैं अभी इफ्तार टिप्स के बारे में। सो फर्स्ट इफ्तार टिप आपकी ये रहेगी कि आपने डेट्स, जो हमारी सुन्नत है, डेट से रोजा खोलना है, उसके बाद में कम से कम आधा ग्लास पानी पीना है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में तुरंत एनर्जी, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें डेट्स के थ्रू चली जाती हैं। तो फर्स्ट टिप विल बी स्टार्ट योर रोजा विद डेट्स। सेकंड पार्ट ये रहेगा कि हमें स्वीट्स अवॉइड करने हैं, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। थर्ड टिप अगेन ये रहेगी कि हमें फैट्स कम करना है। अभी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि आप जो समोसा बनाते हो, कबाब्स बनाते हो, उसको आप फ्राई ना करते हुए उसे आप बेक करें, जो टेस्ट वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट उसके हेल्दी बेनिफिट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप अपने आप को कोई चीज से डिप्राइव कर रहे हो। जैसे आपको समोसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको फ्राई ना करते हुए बेक करके खाएं, तो वो दोनों चीजें कॉम्पनसेट हो जाती हैं। अगली टिप हमारी ये रहेगी कि हम रोजा खोलते ही बहुत प्यास लगती है, तो बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं, आपको वो नहीं करना है। रोजा खोलते ही थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा खाना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े पोर्शंस में आपने पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो सूजन लगती है, ब्लोटिंग लगती है, अचानक से पेट भरी हुई फीलिंग आती है, वो ना आए। अगला टिप ये रहेगा कि आपको ओवर ईट नहीं करना है। जैसे पानी आपको थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे पीना है, वैसे खाने भी आपको थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे ब्रेकअप करके खाना है, ताकि एक साथ पेट भरा हुआ रहने की वजह से आपको लथार्जी है, आलस आता है, या बहुत भारीपन लगता है, वो सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खाना है आपने। ऑलवेज मेरा हमेशा ये कहना होता है कि यू हैव टू ईट स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मीठा खाना है, तो एक जगह जलेबी है और एक जगह पुडिंग है, तो मैं जलेबी ना खाते हुए, जो फ्राइड है, जिसको रीफ्राई किया जाता है चाशनी में, ये ना खाते हुए मैं कस्टर्ड या पुडिंग खाऊं, जो बेसिकली लाइट भी है, और आपको स्वीट टूथ है, तो वो स्वीट खाने से भी आपको मजा हो जाए। तो ईट स्मार्ट एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या खाना है सहरी और इफ्तारी में। सो आइए हम लोग सहरी से स्टार्ट करते हैं। सो आइडियल सहरी मील ये होगा कि आपने फ्रूट या मिल्क बेस्ड जूस का कंज्यूम करना है। अब इसके दो फायदे हुए, ये लाइट भी होता है, इजी टू डाइजेस्ट है, सेकेंडली इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में रोजे के दौरान न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट ना करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड, आपको ये खाना है कि आपको फाइबर का इंक्लूड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको थोड़े देर तक भूख ना लगने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, आपको डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स रिलीव करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो फाइबर में आप ब्रेड्स है, सैलड है, लेग्यूम्स है, ये सारी चीजों का खाने में इंक्लूड कर सकते हो।
थर्ड चीज ये रहेगी कि ओट्स हम खा सकते हैं, ओट्स को मिल्क में भिगाकर या फिर ओट्स को थोड़ा से वेजिटेबल्स में पकाकर खा सकते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि अगेन ये फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, जो आपको थोड़े टाइम तक भूख लगने से अवॉइड करेगा। सेकेंडली आपके लिए ये हेल्पफुल ऑप्शन भी रहेगा, हेल्दी ऑप्शन रहेगा। आप हाई फाइबर स्टार्ची सीरियल्स का कंज्यूम कर सकते हो मिल्क के साथ में या फ्रूट्स के साथ में, ये भी काफी हेल्दी एंड लाइट ऑप्शन है सहरी के लिए। आप दही का इंक्लूड कर सकते हो डाइट में, जब भी आपकी सहरी हो जाती है तो आखिरी के टाइम पे 5-6 चमचे अगर आप दही के खा लें तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। दही का इंपॉर्टेंस ये हुआ कि आपको प्यास जब भी अगर ज्यादा लग रही है तो प्यास को या फिर थर्स्टीनेस को कम करने में हेल्पफुल होता है। दही का और एक फायदा ये हुआ कि इट इज रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिंस, व्हिच इज रियली वेरी एसेंशियल रोजे के टाइम पे। आइए हम डिस्कस करते हैं अभी के आइडियल इफ्तार का पैटर्न क्या होना चाहिए। नंबर वन, जैसे हमारी सुन्नत है हमें डेट्स के साथ यानी खजूर के साथ में रोजा खोलना है, तो आप 3 डेट्स इंक्लूड कर सकते हो। खजूर के बाद आपको थोड़ा सा आधा ग्लास पानी पीना है। अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो आप आगे की डाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो खजूर के बाद में आपने आधा ग्लास पानी पीना है। इसके बाद में आप यूजुअली मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आपको ब्रेकअप करना है, आई मीन मगरिब का टाइम कम रहता है तो आपको जल्दी मगरिब की नमाज पढ़नी चाहिए। तो आपने डेट्स खा लिया, आपने पानी पी लिया, इसके तुरंत बाद आप नमाज पढ़ लो जब तक कि थोड़ा सा लाइट भी लगे। इसके बाद में आप थोड़े से फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स के बाद में आप 15 मिनट का और एक ब्रेक ले लो। इसके बाद में आप जो फ्राइड आइटम्स आपको पसंद है, आप या सूप खा रहे हो या सैलेड खा रहे हो, आप ऐसे कर सकते हो मील ब्रेकअप। ये जो हमने डिस्कस किया है ये सारे कॉमन टिप्स है, हेल्दी टिप्स है रमजान रिलेटेड, डाइट रिलेटेड। अगर आपको डिटेल प्लान चाहिए कि आपको इफ्तार में क्या खाना है, आपकी सहरी में क्या खाना है, आपकी वेट एंड हेल्थ कंप्लेंट्स के हिसाब से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप मुझे मेल कर सकते हैं ताकि हम और डिटेल्स में बात करें। सो अगर आपको डिटेल प्लान चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम।